बिल्कुल बिल्कुल Good morning, good morning. Good morning to all students. चलो शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। चलो सब ज्वाइन हो गए क्या? चलो आगे सब ओके। कल का ये आखिरी क्वेश्चन था, आंसर बहुत से स्टूडेंट्स का आ गया, सबका अभिनंदन। जिसका भी आंसर आया इसका लास्ट ऑप्शन था -2 -1, देखेंगे अपन इसको शाम। -2 -1 करेक्ट आंसर था इसका। नाउ लेट अस सी हियर नो एक्सपेंसिव की तो कल का लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। यस टेल मी नाउ, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व है क्या? करके देने का है क्वेश्चन नंबर 4। टेल मी नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड और नॉट? एक से आधा हो गया था, है ना? तो चारों में से एक भी क्वेश्चन है वो अपना। तो पहला काम अपने को चारों में से एक क्वेश्चन सॉल्व करके देना पड़ेगा, तो रिमेनिंग क्वेश्चन तुम पाएंगे इसमें से, ठीक है? पहला क्वेश्चन चालू था अपना।
क्वेश्चन नंबर चार में का पहला क्या था इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस आई इंटू एक्स माइनस ऑफ वन माइनस सेवन आई इक्वल टू कितना जीरो। तो ये क्वेश्चन को अपन कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद सेकंड फोर्थ इक्वेशन, कंपेयरिंग विद द इक्वेशन इक्वेशन को ए इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो कॉमा वी एच। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ए का क्वेश्चन कितना है वन, बी का कितना है माइनस ऑफ टू प्लस आई और सी कितना है माइनस ऑफ वन माइनस सेवन आई। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, तो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी मतलब ये माइनस का टू प्लस आई ब्रैकेट का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर, ए मीन्स वन सी मीन्स माइनस ऑफ वन माइनस सेवन आई। तो ये होगा हमारे पास सबसे पहले माइनस का स्क्वायर प्लस टू प्लस आई का होल स्क्वायर, तो ये मेरा फोर प्लस फोर आई प्लस आई स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से ये माइनस माइनस प्लस हो गया। चार से मल्टीप्लाई करो, चार का चार माइनस कितना सात सौ कितना अट्ठाईस आए। तो एक्सपांशन सबको समझाऊंगा, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब फोर प्लस टू ए बी मतलब फोर आई प्लस बी स्क्वायर और इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये आ गया हमारे पास फोर प्लस फोर आई, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन प्लस फोर माइनस ट्वेंटी एट आई। तो फाइनल वी गॉट हियर फोर आई में से माइनस ट्वेंटी एट गया माइनस ट्वेंटी फोर आई और चार चार आठ, आठ में से गया सात, तो एक्चुअली आंसर कितना है सेवन माइनस ट्वेंटी फोर आई, इट इज योर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी। ऑलरेडी बी स्क्वायर माइनस फोर एसी जो है सेवन माइनस ट्वेंटी फोर आई, मतलब ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑलरेडी ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है और अब सेवन माइनस ट्वेंटी फोर आया तो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, इसलिए अपने को डायरेक्ट आप इससे सॉल्व कर सकते हो। देखो डायरेक्ट फार्मूला मेथड में रखो, व्हाट इज द फार्मूला, ये पार्टी इक्वेशन का फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ क्या रहता फार्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन कितना टू ए। तो ये रखने के बाद आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, तो बी ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये होगा बी प्लस और माइनस बीच में प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन पूरा निकाल दिया वाला है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना है सेवन माइनस ट्वेंटी फोर आए, राइट है कॉम्प्लेक्स नंबर आया, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा काम बढ़ गया। तो यहाँ पे काम बढ़ गया मतलब अपन जैसा निकाल देना, अभी एक्चुअल क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ सेवन माइनस ट्वेंटी फोर आए, जब तक हमको इसकी वैल्यू मालूम नहीं होती तब तक इसके रूट्स थे यहाँ पे, तो सबसे पहला काम हमको इसको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, जो हमने स्क्वायर रूट निकाले थे पिछले इसमें स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा अपन निकाले थे सेम निकालने का, निकालने के बाद इसमें वैल्यू रख देने का एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की, तो ये बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें क्यों, तो इट इज द सम ऑफ टू पार्ट्स, ये दो पार्ट का सम है। चलिए हमेशा अपन जैसे करते हैं यहाँ तक आगे, मगर यहाँ पे अंडर रूट में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कांसेप्ट लगेगा, जो हमने परसों के दिन देखा था स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से हम इसके रूट्स निकालेंगे और इसमें रख देंगे, रखने के बाद प्लस और माइनस को अलग कर देंगे। सबसे पहला काम अब हमको इसके ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, अंडर रूट में सेवन माइनस ट्वेंटी फोर आई मतलब स्क्वायर रूट ऑफ सेवन माइनस ट्वेंटी फोर आई निकालना पड़ेगा। तो देखो आपने को मालूम है लेट वही सेम जो अपन ने पहले देखा वाला सेम प्रोसीजर रहेगा बड़े क्वेश्चन से, लेट अंडर रूट ऑफ सेवन माइनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू कितना ए प्लस आई बी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से ये आ गया सेवन माइनस ट्वेंटी फोर आई ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर, ये मिलेगा सेवन माइनस ट्वेंटी फोर आई, ये होगा ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी आई प्लस बी स्क्वायर, अपन जो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करने वाला है सेम करने का सेवन माइनस ट्वेंटी फोर आई
ये मिला ए स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस कितना टू ए बी इंटू कितना इक्विटी इन द कॉम्प्लेक्स नंबर वी गॉट हियर एक क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सेवन इक्वेशन नंबर वन, और यहाँ पे कितना मिलेगा तुम्हारे पास टू ए बी इक्वल टू माइनस का चौबीस, टू ए बी इक्वल टू माइनस का ट्वेंटी फोर इक्वेशन नंबर टू नहीं तो सॉल्व करो तो ए बी इक्वल टू कितना मिला माइनस चौबीस बाय बारह मतलब दो माइनस का बारह इक्वेशन नंबर कितना टू, तो फ्रॉम टू दो के हिसाब से तुम ए की निकालो या फिर बी की, अपन जनरली बी क्यों निकालते बी कितना गया माइनस ट्वेल्व बाय कॉलेज इक्वेशन नंबर स्टूडेंट्स अंदर बाहर क्यों है क्या बात है अंदर बाहर हो तो रिस्पॉन्स ओके इट इज क्लियर नाउ सो यहाँ पे देखना ए बी इक्वल टू माइनस ट्वेल्व यहाँ पे तुम ए की ओर निकाल सकते हैं बी की ओर निकाल सकते हो तो बी इक्वल टू कितना आएगा माइनस ट्वेल्व बाय इक्वेशन नंबर थ्री आर ए बी की ओर लीजिए बी की ओर तो बी की ओर कितना आ गई माइनस ट्वेल्व बाय यहाँ से निकाले इक्वेशन नंबर थ्री अब क्या करेंगे यहाँ पे एकदम सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सबको मालूम है क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ थ्री इक्वेशन नंबर वन वन में रखना इसको सॉल्व करके सेम से पूरा आएगा समझ में आता है इसको मिटाने का इसे मैंने यहाँ तक बता दें क्वेश्चन नंबर चार में सब पैटर्न ऐसे है इसमें खाली प्रॉब्लम क्या आ गया है यहाँ पे कि अंडर रूट में कॉम्प्लेक्स नंबर आने की वजह से हमको दो कंसेप्ट का सम करना पड़ा अंडर रूट में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया सेवन माइनस ट्वेंटी फोर आया ये अगर से नहीं आता था तो अपन डायरेक्ट प्लस माइनस लेके इसके रूट निकालते थे मगर यहाँ पे पिछले कंसेप्ट में देखने वाला है तो ये निकाल के पूरा निकाल के इसके लिए तो इसकी वैल्यू रख देगा और उसको सॉल्व कर देगा बस नया कुछ भी नहीं बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या यस टेल मी यहाँ तक क्लियर है यस टेल मी क्लियर है यहाँ तक यस हाँ जी भाई इसमें एडिशनल वर्क क्या होगा अपना एडिशनल वर्क ये होगा कि इसमें दोनों भी पार्ट्स आ गए ये भी क्वेश्चन कवर होगा यहाँ तक और स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर से किसको आता है तो वो भी कंसेप्ट यूज होगा इसमें दोनों कंसेप्ट का यूज तब इसको मिटा देंगे अपन तो क्या हो गया देखो फिर स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़ दिया अपन तो इसमें मैंने वैल्यू रख दिया तो क्या आ जाएगा देखो बी इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व बाय इक्वेशन नंबर वन में रख दिया तो कितना मिला ए स्क्वायर माइनस एक सौ चौरी चालीस अपॉन ए स्क्वायर डायरेक्ट इसका स्क्वायर ले लिया और इज इक्वल टू कितना 49 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू इसमें क्यों 49 और ये तो 7 ही रहेगा 7 इसका स्क्वायर होगा खाली बी का स्क्वायर होगा 144 बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर करो ए रेस टू 4 माइनस 144 7 ए स्क्वायर इसको इधर लेके आओ माइनस का 7 ए स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0 इसको फैक्टर क्या करते हैं देखो सात और एक सौ चौरी चौड़ी फैक्टर गिरते 16 प्लस का 16 माइनस का 9 16 में से 9 गया तो माइनस का 16 प्लस का 9 माइनस के 16 में से प्लस का 9 गया तो माइनस का 7 और 16 नवे 144 इक्वल टू कितना 0 ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 69 कॉमन निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू कितना 0 एक ब्रैकेट में आ गया ए स्क्वायर माइनस 16 एक में आ गया ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 एक तो फिर ए स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 या फिर ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला 16 तो यहां पर लिखेंगे अपन ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9 व्हिच इज नॉट पॉसिबल है ना क्यों पॉसिबल है सबको मालूम है क्योंकि अगर से कोई भी नंबर का स्क्वायर तुम देखेंगे तो वो स्क्वायर तुम्हारा निगेटिव आता है क्या नहीं इसलिए यहाँ पे ये नंबर क्या पॉसिबल नहीं है ओके सो इट इज नॉट पॉसिबल सो व्हाट वी कैन से दैट हियर ये पॉसिबल नहीं इसका मतलब पॉसिबल है तुम्हारे पास यस इस वैल्यू कम से इसके बाद तुम्हारे पास वैल्यू है देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू प्लस और माइनस कितना 4 तो जब ए इज इक्वल टू अप्रैल then a is equal to 4 तो b कितना मिलेगा तीसरे इक्वेशन में रखोगे a is equal to 4 b में रखे तो
माइनस 12 बाय 4 कितना आ गया माइनस का 3, और जब a इज इक्वल टू माइनस का 4 है तो b कितना आएगा माइनस 12 बाय माइनस 4, 4 3 12 प्लस का 3, एक माइनस का 3 और एक प्लस का 3 आ गया। अब ये वैल्यूज तुम इसको जो कि देखो दिस वन, तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिला अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 24 i की वैल्यू क्या मिली तुम्हारे पास, कॉमन बोला था मैंने तुमको प्लस और माइनस ऑलरेडी है कितना 4, बोलो क्या है अभी कॉमन 4 माइनस 3 आई मिलेगा राइट, क्यों देखो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला 4 a का 4 और b का माइनस 3 आ जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का माइनस 4 और b का प्लस का 3 आई आ जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे यहां पे प्लस और माइनस 4 माइनस 3 आई से प्लस और माइनस 4 माइनस 3 आई से अभी हो गया था। अब हमने क्या निकाले यहाँ से इसका स्क्वायर रूट निकाले, ये पूरा वी हैव टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, और लास्ट में हमने इसको निकाल लिए। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे इसके प्लेस पर रख देंगे और इसके दो रूट निकालेंगे, तो ये वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, इसको मिटा देंगे। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है क्या करेंगे इसको अपन, है ना, अल्फ में रख दो तो आंसर कितना आ गया तुम्हारे पास 2 प्लस आर प्लस और माइनस, इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ गई 4 माइनस 3 आर डिवाइड बाय कितना 2, तो कितने रूट्स मिले प्लस माइनस से दो रूट से, एक रूट क्या मिला एक प्लस का लेके आगे प्लस का लेके और दूसरा माइनस का लेके, 2 प्लस आई माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 और प्लस का 3 आई डिवाइड बाय कितना 2, ये कितना मिला x इज इक्वल टू 4 और 2 6 आई में से 3 आ गया माइनस का 2 आई डिवाइड बाय 2, x इज इक्वल टू 2 में से 4 गया माइनस का 2 आई प्लस 3 आई कितना आ गया 4 आई डिवाइड बाय कितना 2, तो लास्ट में आंसर कितना है 2 की डिवीजन में 3 माइनस आई और ये कितना है तुम्हारे पास माइनस 1 प्लस का 2 आई माइनस 1 प्लस का 2 आई, सो दीज आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 माइनस आई x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 आई, बोलो इंटर क्लियर है, इतना बड़ा क्वेश्चन था मगर सिंपल यस टेक मी नाउ इज दैट क्लियर जल्दी वेरी गुड नॉन चीजिंग एकदम क्लियर है ना, खाली डिफरेंस क्या है इसमें क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है ना, वो भी क्यों बड़ा हो गया यहाँ पे ये अंडर रूट की वजह से, स्क्वायर रूट में कॉम्प्लेक्स नंबर आने की वजह से ये क्वेश्चन बड़ा हो गया, स्क्वायर रूट में आने की वजह से हमको पूरा ताम झाम करना पड़ा, ये पूरा 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 ये इतना, तो इसकी वैल्यू निकाली प्लस माइनस 4 माइनस दिया है और ये वैल्यू हमने बाद में इसके लिए रख दी इसके वजह से थोड़ा टाइम, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, उसमें से कुछ बताने का है टेन मिलाओ, कौन से क्वेश्चन बताने का है वो ही बोलो, व्हिच क्वेश्चंस यू आर लुकिंग हियर बोलो, पहला क्वेश्चन मैंने करके बताया आप तुम बोलो, 2 3 4 में से एक आधा क्वेश्चन करके बताने का है, थोड़ा टाइम लगेगा मगर सिंपल क्वेश्चन से बोलो कौन सा क्वेश्चन करके बताओ, 2 3 4 क्या तुम कर लेते नेचर रिवर्स वाइज, 2 3 4 में से कोई भी एक क्वेश्चन बोलो, अगर चाहता हूँ तो तुम करो तो फिर अपन क्लास को करेंगे जल्दी दो यस टेलिंग ऑफ फास्ट जल्दी, 2 3 4 में से कोई एक क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 टेल मी एनी वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस वन जल्दी फास्ट सबको सांग नो प्रॉब्लम ठीक है फिर कर सकते हो करो वेरी गुड मैं पूछ सकते हो तो पढ़ना हाँ हाँ
ये पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने का है। अगर से इसमें x कैसा है, कॉम्प्लेक्स रूट, अगर से x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 है मतलब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। अगर से x की वैल्यू 2 प्लस 3 है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में है, तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, तो हम इसको डिवीजन करके निकालेंगे। तो सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर को लेंगे, x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 है, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना मिला, 3 है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये आ गया x माइनस 2 का स्क्वायर और ये आ गया 9 i का स्क्वायर। तो इसका एक्सपेंशन x माइनस 2 का स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या था, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, i स्क्वायर की वैल्यू माइनस, क्योंकि माइनस का 9, दिया गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0, ये आ गया तुम्हारा पॉलिनोमियल, दूसरी पॉलिनोमियल। इसको सॉल्व करके ये जो कंडीशन दी हुई x की, इसको सॉल्व करके तुमने एक पॉलिनोमियल निकाल दिया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, तो ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है और ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है। इसके हम इसको दोनों का क्या करना पड़ेगा, डिवीजन लेना पड़ेगा। तो डिवीजन के लिए कैसा, एकदम सिंपल जैसा अपन हमेशा करते, तो ये हो गया डिविडेंट, जिसको डिवाइड करने का है, ये हो गया डिविडेंट। डिवाइजर किससे डिवाइड करने का है, इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस डिविडेंट, ये होगा डिवाइजर और ये होगा डिविडेंट। ये तो समझ आएगा, डिवाइजर मतलब जो पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर, और ये क्या है डिविडेंट, जिसको अपन डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंट। ऊपर क्या आएगा क्वेश्चन और बाकी क्या आएगा रिमाइंडर। ये फॉर्मूला सबको मालूम है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला पे सब के लिए पता। अब देखो इसका डिवीजन आता, दो पॉलिनोमियल का डिवीजन तो सबको आता, यहां पे कितना है x स्क्वायर है, यहां पे x क्यूब है, x से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 13x, चेंज द साइन, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, कितना मिला 3x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का कितना 46, राइट, प्लस का कितना मिला 46। अब अगेन यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे 3x स्क्वायर होना, तो प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3 चौक 12x और 13 3 कितना 39, तो चेंज द साइन अगेन, माइनस माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, तो प्लस माइनस कैंसल, माइनस प्लस कैंसल, 46 में से 41 कितना मिला 7, ये होगा इसका डिवीजन। अब डिवीजन करने के बाद इसका फॉर्मूला जैसे तुमको मैंने बताया, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, शॉर्ट में लिखा मैंने क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, कितना लिख देंगे इसको, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है, पूरा लिख दिया अपन ने। अब डिविडेंड मतलब हो जाएगा था पहले समझ लगे हो तो, डिविडेंड, डिविडेंड मतलब जैसे ने अपन भाग दिया लो, दिस वन इट इज योर डिविडेंड, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46। डिवाइजर मतलब जिससे अपने डिवाइड करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इनटू क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब डोका वारसा x प्लस 3 और रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब कितनी है, अब ये लोग में पॉलिनोमियल निकाले, इक्वेशन नंबर कितना 1 दे दो ना। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में तुम देखेंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 की वैल्यू कितनी है 0, ये पूरा क्या मिला 0 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 7, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 के साथ, ये पूरा 0 हो गया, वैल्यू कितनी आ गई इसकी, तो द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 इज इक्वल टू, बोलो इज दैट क्लियर और नॉट, समझा या नहीं समझा, यस शैल बी नाउ फास्ट, वेरी सिंपल। देखो मैंने क्या बताया कंसेप्ट, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने का था, यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और ये कंडीशन तुमको दी है और ये x = 2 + 3 है, तो सिंपली क्या करो, ये कंडीशन को कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके सॉल्व करो, इसको माइनस का 2 से लेके आओ, सब में ये रहेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो और एक पॉलिनोमियल मिलेगी। ये पॉलिनोमियल की डिग्री की थी, डिग्री मतलब इसका सेकंड डिग्री है, ये पॉलिनोमियल कौन से ऑर्डर की है, सेकंड,
और ये पॉलिनोमियल कौन सी डिग्री ऑर्डर की है, तीन, है ना। तो ये पॉलिनोमियल की डिग्री इससे ज्यादा है, ज्यादा अगर करें तो हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। तो ये होगा तुम्हारा अंदर, जिसको डिवाइड कर रहे हो वो डिविनेंट, जिससे डिवाइड कर रहे हो वो डिवाइजर, ऊपर जो आएगा वो क्वेश्चन, और यहाँ जो बचेगा वो रिमाइंडर। तो उसी तरीके से अभी दो पॉलिनोमियल के डिवीजन तो मेरे ख्याल से 7 और 8 में है, दो पॉलिनोमियल के डिवीजन, ये कैसे लेने का ये समझ में, ये बताने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ दैट वन। 7 या 8 में है ये दो पॉलिनोमियल का डिवीजन कैसा लेते हो बोलते, तो लास्ट में आंसर कितना आ गया 7। इसलिए ये फॉर्मूला भी लिखेगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, आंसर तुम्हारे सामने। और इस सब थ्योरी का भी x2 - 4x + 13 की वैल्यू हमने जो निकाले वो कितनी, उसकी वैल्यू 0 है। तो इक्वेशन नंबर 1 से ये पूरा कितना मिला, 0, 0 * दैट वन, ये पूरा टर्म कितना मिला, 0। तो वैल्यू कितनी बची खाली, और एक बार मैंने अच्छे से बता दिया ना, बोलो अभी कोई प्रॉब्लम है इसमें, ये सबको आया समझ में, सब क्या आ गया समझ में अभी? वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, 21 में आ रहा तुम्हारा तो बहुत बढ़िया। माइन फातिमा खुशी कुलकर्णी पूजा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बाकी लोगों को समझ में आ रहा ना, मैसेज नहीं कर रहे इसका मतलब ऐसे नहीं कि उनको नहीं समझ में आ रहा हूँगा, है ना। बरिस मुले ताजे है, अनुज है, लोकेश है, सानिया खान है ना, और कौन है, इतने स्टूडेंट तो है, वेरी गुड। उफरान है, चौहान है, फैज है, ठीक है, सबके फॉर्म में आ गया, सबके तरफ से यस बोल के तब आगे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये सब क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, ऑल द क्वेश्चंस आर ऑफ सिमिलर टाइप। अब खाली देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फर्क है, उसने सिर्फ तुम्हारी फिरकी ले लिया उसने, यहाँ पे अपनी सारी फिरकी ले लिया उसने। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा लिया उसने, 2x³ + 24x + 27 = (if x = 25) upon (3 - 4i) दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में, तो इसका कॉन्जुगेट लेके क्या करने का, उसको सॉल्व करने का, मतलब कैसा, ऐसे ये फॉर्मूले क्या रहेगा, मतलब कैसा फॉर्मूला, तो ये कितना मिला, आई स्क्वायर का माइनस और 16 नो कितना 25, डिवाइड करो 25 से 75, 25 चौक 100, तो ये तुम्हारे पास x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू कितना आ गया, 3 + 4 आ। अब बोलो क्या करेंगे, अब आपका पुराना क्वेश्चन तैयार होगा ना, x इक्वल टू 4 + 3 आ गया, तो बस खत्म, इतना ही इनपुट डिफरेंट था, बाकी सब सेम है। अब तुमने x की वैल्यू निकल गया, तो निकालो x इक्वल टू कितना है, तो 4 - 3 आ।
सॉरी 3 + 4 आए, है ना, ये आए टोटल कर। अब तुम क्या करेंगे यहाँ पे, एकदम सिंपल, इसको ले लेके आओ, x - 3 = 4 आए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये आ गया 16 आए का स्क्वायर, x² - 6x + 9 और ये माइनस का 16, x² - 16 16 में कितना मिला 25 इक्वल टू कितना 0, इधर आया ना ये 9 और ये प्लस का 16 इक्वल टू 0 कितना मिला x² - 3x + 25 इक्वल टू 0 अब ये सेकंड डिग्री पॉलीनोमियल और ये थर्ड डिग्री पॉलीनोमियल ये दोनों का क्या करेंगे डिवीजन लेंगे, डिवीजन लेने के बाद उनका फार्मूला डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोशन प्लस रिमाइंडर। अब बोलो ये दो पॉलीनोमियल का डिवीजन तुमको लेने आता है कि नहीं, ये दो पॉलीनोमियल का डिवीजन ऐसा लेते हैं, मालूम है ना डिवीजन तो आता ना सबको, 2x³ + 11x² + 44x + 27 को डिवाइड करो x² - 6x + 25 बस ये दोनों का डिवीजन करो और डिवीजन करने के बाद क्या डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर और ये जो है इक्वेशन नंबर 1 फिर इसके वैल्यू क्या रहेंगे 0 जो बचे वाला आंसर है इसका वही तुम्हारा आंसर है जो भी रिमाइंडर रहेगा वही तुम्हारा इसकी वैल्यू बोल आएगा सॉल्व करने टेल मी नाउ इज दैट क्लियर आएगा क्या यस एक ही स्टूडेंट को आएगा सॉल्व हां वेरी गुड सेम है ना डिफरेंस क्या था यहां पे तुमको डिवीजन में देखा है यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया यहाँ पे तो यहाँ पे मालूम है दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में तो उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ये आ गया तुम्हारे पास यहाँ से सेम पिछला क्वेश्चन तैयार हो गया इसको इधर लेके आके स्क्वायरिंग करके सेकंड डिग्री पॉलीनोमियल को थर्ड डिग्री से डिवाइड करेंगे फिर डिवाइड करने के बाद डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ठीक है तो आज के लिए हम यही स्टॉप करेंगे रिमेनिंग जो क्वेश्चन है तुम इसके करके देखो 3, 4 और 5 फिर हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे कल मैं आते बराबर तुमको चौथे क्वेश्चन में के 3 और ये पांचवे क्वेश्चन में के 3 ये टोटल क्वेश्चन पूछूंगा जो क्वेश्चन भी आएंगे पहले बोर्ड पर सॉल्व करेंगे और फिर अपन नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे बोलो इज दैट क्लियर सब के सॉल्व में आ गया बोलो ये सब लोग टेल मी ठीक है आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे कल हम फिर इसमें और शाम के बैच में मिलेंगे 5:30 PM ठीक है ओके Thank you very much. Okay. कुछ अड़चन रहे तो बिल्कुल बोल सकते